नमस्कार दोस्तों, आज रेनू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और टमाटर की चटनी, जो कि किसी भी रेसिपी के साथ आप खा सकते हैं, जैसे इडली, डोसा, आलू के पराठे, या फिर नॉर्मली आप दाल राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार। इसके लिए चाहिए हमें टमाटर, प्याज, लहसुन, चने की दाल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो आपको, इमली का पेस्ट, हरी और ग्रीन चिली, करी पत्ते, मसाले में रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, येलो हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सांभर मसाला, वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ का पाउडर, और ये पचफोरन है। पचफोरन जो है वो बनता है मेथी, जीरा, सरसों और कलौंजी और सौंफ से। अगर आपको ना मिले तो सिर्फ सरसों भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हींग चाहिए हमें। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम तेल डालेंगे, थोड़ा तेल गरम होने के बाद इसमें हम चने की दाल डालेंगे। पहले उसको होने देंगे थोड़ा। अभी थोड़ा सा चने की दाल रोस्ट हो रही है तो हम इसमें उड़द की दाल मिक्स करेंगे। ये चटनी आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, 1 वीक तक तो आराम से स्टोर हो जाती है, और आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये अब इसमें हम अपना वो पचफोरन डालें, तेज आंच ना रखें वरना सब जल जाएगा, तो धीमी आंच पे पकाएं। ये थोड़ा लाल हो रहा है, अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे। अगर आपको रेड चिली नहीं खानी, अवॉइड करनी है, तो आप सिर्फ ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो। ये हल्का लाल होने लगा है, अब हम इसमें बाकी चीजें डालेंगे। पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। फिर आप इसमें प्याज ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक प्याज को भूनने में हेल्प करेगा और थोड़ा सा उसे गलाएगा भी। प्याज थोड़ा भून जाए फिर हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। अब प्याज थोड़ा सा गलने लगा है तो हम टमाटर ऐड करेंगे। तो चला लें अच्छे से। अब इसमें हम मसाले ऐड करें, हल्दी पाउडर, रेड चिली, कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे तो उससे थोड़ा कलर आएगा और तीखी भी कम होती है। हम ऑलरेडी रेड चिली और ग्रीन चिली डाल चुके हैं तो प्रेफरेंस कश्मीरी चिली को करें। अगर नहीं है तो नॉर्मल रेड चिली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सांभर मसाला और ब्लैक पेपर। अब इसको मिला लें अच्छे से। अब इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे मिला के। अब टमाटर भी गल चुका है और काफी हद तक हमारा मिक्सचर भून चुका है। अब हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। करी पत्ता हम स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं कर रहे ताकि वो जल ना जाए, हमें करी पत्ते का जले हुआ टेस्ट नहीं चाहिए। इसमें मिक्स कर दीजिए।
और थोड़ा सा करी पत्ता तड़के के लिए रख लीजिए। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे पीसने से पहले। अब ये ठंडा हो चुका है मिक्सचर, तो उसको पीसने के लिए हम मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी के बाउल। इस मिक्सी में हम थोड़ा इमली का पेस्ट और गुड़ ऐड, इमली को बैलेंस करने के लिए गुड़ ऐड करेंगे। अब मैं इसे पीस लूंगी दरदरा। ये हमने दरदरा इसको पीस लिया है, आप चाहे तो थोड़ा और पतला भी पीस सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए एक बर्तन आप गरम कर ले, तड़का पैन ले ले या जिसमें आपको सूटेबल लगे। उसके बाद जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें तड़का हम सिर्फ सरसों का लगाएंगे। सरसों जल गया है तो हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। गैस ऑफ कर दीजिए। करी पत्ता हम अब आप चटनी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो तड़के का तड़का नहीं भी लगा सकते, ये वैसे भी अच्छा लगेगा। आपकी ये चटनी बनके तैयार है, ये काफी टेस्टी लगती है। आप इसे प्लीज जरूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और फॉर मोर रेसिपी मैं जल्दी आपको नई रेसिपी शेयर करूंगी। थैंक यू।